नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। तो हमारी कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन है मेरी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और बगल में एक घंटी बनी हुई है जिसे आप क्लिक कर दें। तो क्या है कि अगले हम जो भी वीडियो या स्टोरी अपलोड करेंगे आपको ईमेल के जरिए या नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा कि हमने कोई भी स्टोरी या वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार एक औरत अपने बच्चे के साथ किराने का सामान लेने के लिए एक किराने की दुकान पर जाती है। औरत अपने बच्चे को दुकानदार के सामने छोड़ देती है और खुद अंदर जाके सामान अपना लेने लगती है, जो जो सामान को लिस्ट लेके आए रहती है। दुकान के स्टाफ सामान देने में व्यस्त रहते हैं। दुकानदार उस बच्चे के सामने खड़ा होकर उसे देखता रहता है। बच्चे का हंसमुख चेहरा देखकर उस दुकानदार को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है मानो उस नन्हे से बालक का हंसता चेहरा देखकर उसका सारा दिन का थकान निकल गया। दुकानदार खुश होकर अपने एक स्टाफ को बोलता है, बेटा टॉफ़ी की डिबिया ले आओ। टॉफ़ी की डिब्बी मंगाता है और उस बच्ची की ओर ढक्कन खोल करके बढ़ा देता है। बोलता है, बेटा जितनी चाहिए उतनी टॉफी ले लो। लेकिन वो छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक मना कर देता है। बोलता, नहीं मैं नहीं लूँगा। दुकानदार फिर से बोलता, नहीं बेटा मैं पैसे नहीं मांगूंगा आपसे, ना आपकी मम्मी से लूँगा, आप इसे ले लो, जितने चाहिए उतने ले लो, आज मेरी तरफ से फ्री। बच्चा फिर भी नहीं लेता है। कई बार दुकानदार कोशिश करता है, ले लो बेटा ले लो, वो बालक नहीं लेता है। उसकी मम्मी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद दुकानदार एक काम करता है, अपने हाथों से ढेर सारी टॉफी निकालता है और उसे बोलता है, अब ले लो। उस वक्त वो नन्हा बालक अपने दोनों हाथ जोड़कर खोवा बनाता है और सारी चॉकलेट्स ले लेता है। और जैसे ही चॉकलेट उसे मिलता है, वो दुकानदार का आभार जताते हुए उछलते कूदते अपनी मम्मी की ओर जाता है और अपनी चॉकलेट्स दे देता है अपनी मम्मी को। सारे सामान परचेजिंग करने के बाद उसके मम्मी वहाँ से चल देती है। उसके बाद अपने बेटे को पूछती है, बेटा तुम्हें जब वो अंकल टॉफी की डिबिया दे रहे थे, बोल रहे थे जितना मर्जी उतना ले लो, तो तुम ले क्यों नहीं गए थे? जब उन्होंने बाद में तुम्हें दिया अपने हाथों से तो तुमने ले लिया। तो वो नन्हा सा बालक इतनी बड़ी बात कह गया। बोला, मम्मी देखो मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, अगर मैं अपने से लेता टॉफी तो बहुत थोड़े थोड़े टॉफी आते मेरे हाथ में, लेकिन जब उन अंकल ने मुझे टॉफी दिया, उनके हाथ मुझसे बहुत बड़े हैं, उन्होंने मुझे एक ही हाथ से इतना दे दिया कि मेरे दोनों खोपड़ भर गए। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे हाथ से ऊपर वाले का हाथ बहुत बड़ा है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें उनसे मांगने के बजाय छोड़ देना चाहिए उन्हीं के ऊपर कि वो कब देंगे क्या देंगे। क्योंकि अगर हम खुद से लेने जाएं तो मुट्ठी भर के ही ला पाएंगे, अगर ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हैं और वो खुद देगा तो हमारा पूरा खोवा ही भर जाएगा। आतुर है ईश्वर तुझे सब कुछ देने के लिए, पर तू खड़ा है चम्मच लेकर दरिया मांगने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। और जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।